ऑफ फार क्राई प्राइमल के अगले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जयमा ने हम लोग को एक टॉल एल्क का हंट करने के लिए भेजा था, और उसके हंट करने के बाद से जब हम लोग दोबारा से जाके जयमा से मिले थे तो उसने कुछ नए खतरनाक जानवरों का लोकेशन रिवील किया था। उन जानवरों में से एक जानवर के लोकेशन पर अभी हम लोग हैं, और वो जानवर है ब्लड फैंग सेबर टूथ टाइगर। और मज़ेदार बात यह भी है कि हम लोग केवल इस जानवर को डिफीट ही नहीं कर सकते, हम लोग इसको डिफीट करने के बाद से टेम भी कर सकते हैं। और उससे भी एक बड़ी अच्छी बात यह है कि हम लोग अभी तक जो वुल्फ हमारा पेट है उसको हम लोग राइड नहीं कर सकते हैं, बट ये जो सेबर टू टाइगर होने वाला है इसको हम लोग राइड भी करने वाले हैं। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, चलते हैं इस मिशन को कंप्लीट करते हैं। हम लोग काफ़ी क्लोज पहुंच गए, एकदम जिस लोकेशन पे शो कर रहा था वहाँ तक हम लोग पहुँच गए। आ गया भाई, तो आग लेके क्यों नहीं खड़ा है तू? अरे भाई साहब, तो हम लोगों को एक ट्रेलर भी मिल गया कि ये कितना खतरनाक होने वाला है ये टाइगर। आई हैव स्टैब्ड दिस बीस्ट। अच्छा लगता है स्टार्ट में जो मिला था साइला के टाइम पे वही वाला है ये, जब टकार ने साइला का लाइफ बचाया था। बीस्ट मास्टर हंट्स, ठीक है। तो हम लोगों को ढूंढना है, पहले उसको क्लूज का यूज करना है और सेबर टूथ को ढूंढना है। और ये हंट इजी नहीं होने वाला है, ये पहले ही पता चल गया है भाई। चारों तरफ से उसी का आवाज आ रहा है, ऐसा लग रहा है इस पूरे वैली में उसी का आवाज गूंज रहा है। भाई जहां जाओ उस ऐसा लग रहा है ऊपर ही या फिर पीछे है वो। उदम प्राश्वा हसारिया दांतां भी त्राम उदम पार्कुल निभाश। ठीक है, अभी जिसको लेके आया था वो घायल हो गया था लेकिन फिर भी भाग रहा था, और ये उसके ब्लड है पूरे जमीन पे पड़े हुए चारों तरफ। देख के लग रहा है कि टाइगर ने घसीट के मारा है उसको, ऐसा लग नहीं रहा कि भाग रहा था जो भी वेंजिया को पकड़ा था उसने। नीचे दिख रहा है एक बॉडी। ये वही वेंजा जिसको भी उसने पकड़ के केव में खींचा था। हसार दंतन उदम चागुआन हसारिया उर्गी दाकी सित्राम वाश। ठीक है, तो साउथ की तरफ गया है, उसका हम लोग को फुटप्रिंट को ट्रैक करना है। ठीक है, फुटप्रिंट ट्रैक करते करते हम लोग इस छोटे से विलेज के पास आ गए हैं। तो विलेज नहीं लग रहा, हट लग रहा है, बस एक हट है। ना दंतन द्वायस्ताइश वाई की तदार सुर असारिया। तो अभी पता चल रहा है वो तो तब से ही अटैक कर रहा है एकदम बिना डरे। ठीक है, तो बीच बीच में कहीं कहीं पे ट्रैप्स भी हैं, उनको हम लोग इनेबल कर सकते हैं ताकि जो बीस्ट है उसमें ट्रैप हो जाए। चलो ये चीज़ सही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि उसका जो एचपी रहने वाला बहुत ज़्यादा रहने वाला है। पीक टू विंजा, इससे बात करना है, लेकिन बगल में एक और जो ट्रैप है वो है, उसको पहले बिल्ड कर लेते हैं, क्योंकि सेबर तूत किस साइड से आएगा वो पता थोड़ी चलेगा। सारे ट्रैप्स रेडी रहने चाहिए, क्यों आगे वाला तो हमने कर दिया था रेडी। अब चल के बात करते हैं वेंजा से। लो, अब वो आता भी रात में और खतरनाक। तुम लोगों को बेड ढूंढना पड़ेगा, चल के सोते हैं, रात का वेट करते हैं, फिर रात में फिर अटैक करेंगे। चलो दिन ढल गया, रात में ऐसे ही डर लगता है। अब तो इतने खतरनाक जानवर का हंट करना है वो तो अलग ही दिक्कत होने वाला है। ठीक है, फायर जो है आग ही अपना सहारा है। जाना कहाँ है ढूंढने उसको? अच्छा आ गया वही खुद ही आ गया यहाँ पे। बहुत ही खतरनाक है भाई, इसको लगता है कि
वेंजालों को खाने का लत लग गया। ये ले जल भाई। गुल्फ में भी आग लगा दिया मैंने, खुद में भी लगा। अरे यार सब कुछ में ही आग लगा दिया, खुद में, हट में, गुल्फ में। कोई बात नहीं, जब तक हम लोग उसको दूर रख सकते हैं तब तक सही है। पीछे जाके स्टक कर गया क्या? चल के पीछे देखते हैं, पता नहीं पीछे से निकल ही नहीं रहा है। आ गया आ गया आ गया। इसका हेल्थ भी उतना कम नहीं हो रहा एकदम। चलो ऊपर गया, अब मारते हैं थोड़ा एरो। एक, अरे नहीं 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 नहीं, जल्दी फायर 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 फायर। अरे यार क्लब निकलते ही रह गया, उतने देर में कांड मचा के चला गया। ठीक है कोई नहीं, इसके साथ ये सीन है कि हम लोग कितने भी बार मरे, जितने बार हम लोग उसका हेल्थ रिड्यूस करेंगे वो उसका हेल्थ नेक्स्ट टाइम रिड्यूस ही रहेगा। आगे 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 आगे, पहले पता चल रहा है बॉस फाइट जैसा है इसका। हेल्थ बहुत ज़्यादा है, एचपी बहुत ज़्यादा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसको ट्रैप में फंसाना जरूरी है। ये ट्रैप एक्टिव कैसे होता है भाई? अभी दूर रहो ट्रैप को। इस साइड वाले ट्रैप पे कुछ पता नहीं चल रहा, दूसरे साइड वाले ट्रैप पे चलते हैं। उसमें नीचे जमीन से निकला हुआ था। अरे साला यहाँ का भी गायब हो गया, कोई नहीं दोबारा बिल्ड कर देते हैं। आ जाओ आ जाओ। चलो काफी हेल्थ कम हो गया इससे, ये सही था। दो तीन ट्रैप भागने का लगा चेज। अरे यार अब उसके गुफा तक उसको चेज करना है, ये तो अलग ही सीन है। यहाँ पे सारा ट्रैप है वहाँ पे, लेकिन ट्रैप से काफ़ी हेल्थ कम हुआ अचानक से। ठीक है उसका पीछा करते करते हम लोग उसके गुफा में पहुँच गए। ये आइडिया कहीं से भी सही तो नहीं लग रहा है कि शेर के, मतलब घायल शेर के उसके गुफा में घुस के मारो उसको। इन बाघ है लेकिन ठीक है, घायल बाघ या घायल शेर जो भी हो, एक तो घायल कर दो ऊपर से उसको गुफा में घुस के मारो। आइडिया सही नहीं है। आवाज़ आ रहा है, कहाँ है? आ गया आ गया आ गया। दूर रहो दूर रहो। एक बाइट मार दिया इसने पहले ही, पीछे भागने का रास्ता। मेरा वुल्फ कहाँ रह गया यार? थोड़ा सा हेल्प देता आके साइड से। आ गए मेरे पास, दूर रहो तुम, आओगे नहीं पास मेरे। अरे साला, अरे यार चलो कोई नहीं, हमारे पास इतना वुड ही नहीं था कि हम लोग मतलब गुफा में ट्रैप को इनेबल करते। इसको दोबारा से इनेबल करते हैं। अब आने दो उसको, फिर से इसके पास लेके आएंगे। आगे आगे ऊपर है ऊपर। आ जाओ आ जाओ। का कमी हो गया इस समय। आ जाओ फिर से ट्रैप में आ जाओ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलो बढ़िया, काफी हेल्थ कम हो गया। फिर भाग गया था डेन में और फिर मार दिया। ये लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है, बस इसको एक बार लगाते हैं, एक बार और। अरे नहीं चलो बहुत कम हो गया, इस बार इसको नहीं भागने देंगे और ना ही इस बार मरेंगे हम लोग। तीन बार ऑलरेडी मर चुके हैं। चलो गुफा में पहुंच गए हैं और बहुत ही उसका हेल्थ कम है, एक से दो हिट में मर जाना चाहिए। हम लोग इस टाइगर का क्या ही हंट करेंगे, तीन चार बार तो इसने ही हमारा हंट कर दिया है। आ जा आ जा आ जा, अब हेल्थ ज़्यादा नहीं है इसका। ना ना मुन्ना, डाउन हो गया डाउन हो गया फाइनली। खतरनाक एकदम,
फाइनली हमने ब्लड फैंग सेबर तो टाइगर को टेम कर लिया है और ये हमारा पेट है, काफी खतरनाक पेट है, अब कोई पंगा नहीं लेने वाला हम लोगों से। एक नंबर। लेकिन मेरा हेल्थ भी कुछ ज्यादा ही कम है, बाहर निकलते हैं, हेल्थ पहले सही करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग राइड कर रहे हैं अपने सेबर टूथ का और हम लोग एक क्लोज वेंजा विलेज के आसपास पहुंचे हैं जिसको डिफेंड करना हम लोगों को। उधम लोगों को अब बैठे बैठे हम लोग ऊपर से मार भी सकते हैं और अपने टाइगर को भी बोल सकते हैं मारने के लिए। और लोग आ रहे हैं, अब नीचे उतरना पड़ेगा, इस पे से उतने अच्छे से शिकार नहीं हो रहा। ये सारे उधम आ रहे हैं, ये ले हेडशॉट। लगता है अभी और आने वाले हैं। आ गया आवाज आया, आ गया सामने ऊपर। बढ़िया, ये हेडशॉट था खत्म। ये तो खतरनाक लग रहा है, ये हेडशॉट से भी नहीं जाएगा, पूरा स्कल। अरे साला, इसका एचपी बहुत ज्यादा है और ये पूरा बोन इसने पहन के रखा हुआ है, इसलिए हेलमेट इतना इजीली नहीं मरने वाला एक एरो में। रुक जा एक सेकंड के लिए, मूव कर जा रहा है यार। चलो बढ़िया, टाइगर ने उसका काम तमाम कर दिया, अब चलते आगे। अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी भी और लोग आने वाले। अच्छा ये आ ही गया। चलो इसके स्कल पे नहीं, इसके चेस्ट पे ही दो मारना पड़ेगा। ये आ गया, आ गया, आ गया खतरनाक वाला, बोन का हेलमेट पहना हुआ है। अरे साला गलत, अरे टाइगर को मार दिया साला, बहुत खतरनाक ये तो। ये ले साले, इकलौता बचा यही। नहीं नहीं एक और है। कोई नहीं, बहुत ब्रेवरी से लड़ा है मेरा टाइगर। एक शो कर रहा था ऊपर, फिर वो गायब हो गया। एक वेंजा हमारा मर गया। आ गया, आ गया। चलो बढ़िया, ये मिशन भी कंप्लीट हुआ हमारा। रास्ते में मिल गया था साइड क्वेस्ट सॉर्ट ऑफ। चलो टाइगर का हेल्थ भी हील हो जाएगा, फिर यहाँ से निकलते हैं अगले मिशन पे। तो ये हमारा अगला मिशन है वोगा द क्राफ्टर का, द लॉस्ट टोटेम। टैग टू आइडेंटिफाई द टोटेम लूटर्स। ठीक है, पहले तो सबको टैग कर लेते हैं, जो भी जिन भी लोगों को हम लोगों को मारना है। अब टोटेम क्या है वो नहीं पता, कुछ तो टोटेम होगा लेकिन उसके कुछ लूटर्स हैं यहाँ पे, और लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। वो सर्कल बना हुआ लगता है, वही है, हाँ वही है, वही है। ऊपर वाले को नहीं, नहीं 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 नहीं, उसने भी वही बोन पहन रखा है, बोन वाला हेलमेट। तो एक एरो में तो जाने वाला है नहीं, और एक एरो में अगर डिटेक्ट कर लिया तो फिर काम खत्म।
चलो अब तक नीचे वालों को हम लोग ले लेते हैं। भाग गया ठीक है, हमारे पास अब एरो भी खत्म हो गया। लो टाइगर का ही हेल्प लेना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। कैसे चिल्लाता है यार हमारे पास वुड भी नहीं है, अब एरो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो टाइगर को ही पॉइंट करते हैं कि जाओ मार के आओ। चलो उसको पॉइंट कर देते हैं, और जो राइट में क्लोज है इसको हम लोग मार देते हैं पीछे से। बढ़िया खत्म, ये लास्ट एक। अच्छा टेक डाउन भी कर सकते थे हम लोग, बट चलो एक बार में मर गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक नीचे है जिसके पास टोटम है, लूट लेते हैं इससे। और दो ऊपर शो कर रहा है, हमारे पास एरो भी नहीं है, क्लोज कॉम्बैट ही करना पड़ेगा। चलो हमारा टाइगर है तो आधा तो वो संभाल लेगा, बस एरो मिल जाए यार थोड़ा। चलो एक मिल गया, हार्डवुड मिला, हम एरो क्राफ्ट कर सकते हैं उससे। ठीक है ऊपर से एक स्लिंगशॉट दे रहा है, पहले हील करते हैं, थोड़ा एरो बनाते हैं, अब उसको ले लेते हैं हेडशॉट देके। चलो बढ़िया, और आ रहे नीचे, ये भी हेडशॉट खतरनाक। चलो इसको तो टाइगर ने ले लिया, और दो लोग शो कर रहे मिनी मैप पे। अरे नहीं यार ये तो स्कल वाला है ना, स्कल बोन। बढ़िया पीछे वालों को। चलो टाइगर काफ़ी काम का है, अब एक ही है, और ये भी टाइगर में बिजी है इसको। मर भी जा भाई, कितना डैमेज देना पड़ता है उसको मारने के लिए। चलो बढ़िया सब क्लियर हो गए यहाँ, नहीं एक बचा हुआ है अभी भी। ठीक है स्लिंग शॉट वाला बचा हुआ है अभी भी, अच्छी बात है हमारे पास एरो है। खत्म चलो अब बस टोटम को लूटते हैं, दो हो गए, एक और लूटना है, और ये रहा हमारा तीसरा, और मिशन कंप्लीट। अब ये लेके जाना पड़ेगा वोगा तक क्राफ्टर के पास, वही बताएगा क्या करना है इसका। अब चलते हैं अपने अगले मिशन पे, वो है करूश द वॉरियर का मिशन, एक मैमथ से रिलेटेड है, और जो मिशन लोकेशन था उसके हम लोग क्लोज काफ़ी पहुँच गए हैं 150 मीटर से, और ये कोल्ड वाला एरिया है तो इसमें एक कोल्ड का मीटर भी है साइड में, अगर वो ज़ीरो हो जाता है तो भी कहानी ख़त्म, डेथ, तो उस पर भी ध्यान रखना होगा हम लोगों को। यहाँ पे सोने वोने का जगह है अगर रात होता है तो, और गुफा भी है। चलो बढ़िया, यहाँ पे थोड़ा खुद को गर्म कर लेते हैं। आसपास से कुछ लोगों की आवाज़ें आ रही हैं, अब वो उदम है कि वेंजा पता नहीं, चल के देखना पड़ेगा। चलो हम लोग अब पहुँच गए हैं एकदम लोकेशन पे जहाँ से हम लोगों को मिशन स्टार्ट करना है, मैमथ वाला। ये तो एरिया ही देख के लग रहा है उदम लोग का एरिया, उनका बाउंड्री है स्टॉम्प उदम। ममफ उदम शाजदार वसाक वर्ष शाजदार वर गुइजर दाउसम। ठीक है तो हम लोगों को उदम लोगों को मारना है जो कि मैमथ्स का यूज़ करते हैं, उनको किल करते हैं और उनके बोन्स को यूज़ करते हैं अपना बोन ट्री बनाने के लिए। तो हम लोगों को पहले मैमथ को सेव करना है, उसको राइड करना है, एंड देन इस पूरे जो भी हंटर्स हैं उनको मारना है। ठीक है येलो जोन में हम लोग अभी घुस रहे हैं, और सामने उदम लोग दिख रहे चिल्लाते हुए, एरो भी सिक्स ही है अपने पास, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ का। और यहाँ पे इनका संख्या बहुत ज़्यादा है, पांच तो दिख रहे हैं सामने ही, स्लिंग शॉट दिख रहा है एक ऊपर, बॉम्बर भी है वो ग्रीन वाला बॉम्ब जो फेंकता है,
डिटेक्ट नहीं होना है। अरे यार टाइगर डिटेक्ट हो गया, बोलो टाइगर पे अटैक करते हैं, हम लोग पीछे सीन पे अटैक करते हैं। चलो बढ़िया, अरे साला ये ठीक है, बोन पहन कर रखा था इसने। नहीं नहीं नहीं, अब अपने पास एरो भी खत्म हो गया। चलो जाओ, और कौन बच गया, दो, एक ही बचा हुआ है, और स्लिंग शॉट वाला है क्या ये भी? हाँ हाँ वही है ऊपर है, ये ले हेडशॉट, बढ़िया। तो अब माउंट द मैमथ, अब मैमथ के ऊपर चढ़ना है, क्या क्लोज जाके चढ़ना है कि? ठीक है बढ़िया, हम लोग राइड कर सकते हैं अभी इसको, राइड द बेस्ट योर। अरे यार ये आर्चर्स पता नहीं कहां से आ गए। तीन चार हेडशॉट लग रहा है इनको मारने के लिए, बोन टूट रहा है दो में। ठीक है उधम के बोन ट्रीज को हम लोगों को डिस्ट्रॉय करना है, तो यहां पे तो बहुत सारे हैं। चलो स्टार्ट में जो मिलता है वहीं से तबाह करना स्टार्ट करते हैं। चलो ये ऊपर वाला एरिया क्लियर, एक है यहाँ, मैमथ खतरनाक मारता है एकदम, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वाला है था, उसको भी ऐसे उठा के फेंक दिया। इसको भी इसको मारते हैं, खत्म। इधर कुछ बचा है क्या? इधर तो खत्म कर दिया था सब कुछ। अच्छा सामने एक बच गया, ठीक है अभी ये एरिया क्लियर हो गया, नीचे जाना है। इधर से रास्ता नहीं है, सामने जाना रहेगा। थोड़ा सा बचा है एकदम थोड़ा सा, एक बाउंड्री भी अगर हम लोग डिस्ट्रॉय करेंगे तो हो जाएगा काम। ये सामने वाला ही कर देते हैं, खत्म। चलिए ले निकले यहाँ से, ठीक है राइट द मैमथ टू इट्स हर्ड, वहाँ पे जाना है लेकिन सामने एक दिख रहा है पहले, इसको भी गिरा ही देते हैं। बढ़िया, एक और सामने दिख रहा है उसको भी गिरा देते हैं। चलो बढ़िया, पूरा एरिया क्लियर हो गया हमारा, अब चलते हैं मैमथ के हर्ड के पास। बहुत बढ़िया, जब उतरना है यहाँ से। चलो मिशन हुआ कंप्लीट, गो मैमथ गो। ओल्ड वाला मीटर कुछ ज़्यादा ही कम हो गया था, तो जरूरी था थोड़ा सा निकालना, हमारा खुद को गर्म करने के लिए क्लब निकालना जरूरी था। आ गया हमारा टाइगर वापस, चलो अब राइड करके निकलते हैं जितना जल्दी हो सके इस एरिया से। अच्छा एक सामने वेंजा वाला मिशन शो कर रहा है, इसी वेंजा को ये लोग कैदी बना के रखा होगा, उसको छुड़ाना होगा। किल द इनवेडिंग लीडर, अच्छा, और हमारे पास एरो नहीं है, सबसे खतरनाक बात ये है। टाइगर को काम करने देते हैं, एक ही स्पीयर है अपने पास तो लास्ट में मार लेंगे जो भी एक बचेगा। टाइगर का अटैक करने से पहले एक मर गया, हाँ इसको मारते हैं, खत्म। खतरनाक था एकदम, अरे एक बचा है, पीछे आओ पीछे आओ।
खतरनाक एकदम। चलो ये मिशन भी कंप्लीट हो गया। अच्छा कंप्लीट हुआ नहीं है, जाके उसको लूटना पड़ेगा। भाई कोल्ड वाला मीटर एकदम नीचे आ गया, हम लोग इस एरिया से जल्दी निकलना पड़ेगा। पीछे चलते हैं, लूटते हैं उसको, इन्वेडिंग उधम को, जो भी लीडर था उसका। अबे चलो ठीक है, ये मिशन भी कंप्लीट हुआ, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले मिशंस जो भी हैं, कुछ और भी एनिमल्स हैं जिनको हम लोगों को डिफीट करना है और उनको अपना टेम करना है, करते हैं अगले एपिसोड में। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड, बाय बाय।